सबसे पहले आप सबको हैप्पी होली। और सुबह हुई है जस्ट, और अब इसकी का एक्साइटमेंट बहुत हाई है खेलने के लिए। होली कलर और पिचकारी लेके घूम रही है अपने पापा के पीछे पीछे कि इसको भरो और चलो मेरे साथ नीचे होली खेलने के लिए। मेरा तो इस बार थोड़ा सा कम ही रहेगा क्योंकि अभी होली खेलना थोड़ा सेफ नहीं है मेरे लिए, तो इस बार मैं थोड़ा अवॉइड करने वाली हूँ। और तबीयत भी नहीं ठीक रहती मेरी, कब मुझे चक्कर आने लगते हैं, कब वॉमिटिंग होने लगती है, कुछ पता नहीं चलता मुझे। और यहाँ पे होली का इतना कुछ पता भी नहीं चल रहा, बनारस जैसी होली तो खेलने की दूर है, देखने को भी शायद नहीं मिलेगी इस बार, बट जो है बढ़िया है, हम सभी साथ में हैं। तो आज होली स्पेशल जो ब्रेकफास्ट है हमारा वो समोसे बन रहे हैं। एक्चुअली कल गुजिया बनाई थी हमने, तो उसका आटा थोड़ा सा बच गया था, तो हमने प्लान किया था कि कल समोसे बना लेंगे नाश्ते में। मेरे घर में समोसे सबके फेवरेट हैं, हर कोई मन से खाता है, बिस्टी से लेके पापा जी से लेके सब लोग मन से खाते हैं। तो नाश्ते में समोसे बना लिए हमने। जब तक मैं उठी माँ ने आधे से ज़्यादा प्रिपरेशन कर रखी थी, तो यहाँ पे समोसे बनाए हमने कुछ। अबिस्टी के लिए स्पेशल स्टार शेप का कुछ बना दिया माँ ने, वो मन से खाएगी ऐसे करके। तुम रेडी हो गई हो होली खेलने के लिए? हाँ। देखो जरा, अच्छा चेंज वेंज करके ऑयल लगा के। हाँ, हैप्पी होली। अबिस्टी अपना होली के लिए एक्साइटेड हैं और मैं आ गई हूँ किचन में। अभी सब लोग उठे हैं, चाय वाय पी रहे हैं, तो ये बोले कि चाय पीने के बाद फिर मैं अबिस्टी को लेके जाऊँगा नीचे कलर खेलने के लिए। तब तक मैं आ गई हूँ किचन में और आज का टास्क है गुलाब जामुन बनाना। कल ही बनाना था बट कल सिलेंडर ख़त्म हो गया हमारे पास और फिर 2-3 घंटे लग गए सिलेंडर आने में, सडनली ख़त्म हुआ, तो इस वजह से गुलाब जामुन रह गया था, कल का ही प्लान था। तो आज इसको मैं बना लेती हूँ। तो खोया मैंने फ्रिज से निकाल के रख दिया था थोड़ी देर के लिए बाहर, और फिर मैंने इसको एक प्लेट में निकाल लिया है और इसको रूम टेम्परेचर पे लाना है, तो इसको अच्छे से गूंद लेना है। यहाँ पे मैंने 1/2 किलो खोए का यूज़ किया है। मैं जो मेज़रमेंट बता रही हूँ अगर इसको फॉलो करके आप गुलाब जामुन बनाएंगे एकदम परफेक्ट बनने वाला है। 1/2 किलो खोए में मैंने 125 ग्राम मैदा डाला है, तो उतना ही मैदा डाला है मैंने। तो मैंने पूरा मैदा एक साथ नहीं डाला, थोड़ा सा डाल दिया है, और इसमें मैंने 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा डाला। जो खाने वाला सोडा आता है ना, वो 4 से 5 चिटकी जाएगा अगर चिटकी से नापे तो। मैंने पूरा मैदा उसमें मिला दिया है, अब इसको एक साथ मिक्स करूँगी मैं। अब ये थोड़ा सा ड्राई है तो इसको गूंदने के लिए मैं दूध का यूज़ कर रही हूँ। उबला हुआ दूध है, ठंडा हो चुका है, उसी दूध का यूज़ कर रही हूँ, गर्म दूध का यूज़ नहीं करना है। थोड़ा थोड़ा जितनी रिक्वायरमेंट हो उतना डाल के अच्छा सॉफ्ट सा डो बना लेना है इसका। तो डो रेडी हो गया, उसको मैंने 10 मिनट के लिए साइड में रख दिया। अब मैं चाशनी चढ़ा देती हूँ गैस पे। तो चाशनी के लिए मैंने यहाँ पे 1 किलो चीनी का यूज़ किया है। 1/2 किलो मावे का गुलाब जामुन बना रहे हैं आप, तो 1 किलो चीनी चाहिए आपको चाशनी के लिए। चाशनी अगर अच्छी क्वांटिटी में चाशनी होगी तो गुलाब जामुन अच्छे खिलेंगे। मैंने 1 किलो चीनी में 4 ग्लास पानी डाला है और इसको तेज़ गैस पे चढ़ा दिया है। एक तार की चाशनी चाहिए, मतलब जब ये चिपचिपी हो जाएगी तो हम इसे गैस से उतार लेंगे। यहाँ पे 10 मिनट हो चुके हैं और आटे में अब मैं मिला रही हूँ फ्रेश कुटी हुई इलायची, या आप इलायची पाउडर का भी यूज़ कर सकते हैं, और साथ में मैं केसर के कुछ धागे डाल रही हूँ। इसमें फ्लेवर बहुत अच्छा आता है, आप केसर स्किप भी कर सकते हैं, बट इलायची डालिए ही डालिए, उससे टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। तो इसको डालने के बाद एक बार अच्छे से फिर से मिक्स कर लिया है मैंने, और अब ये हमारा मावा बिल्कुल रेडी है गुलाब जामुन बनाने के लिए। यहाँ पे गुलाब जामुन के बीच में डालने के लिए मैंने इलायची दाने लिए हैं जो प्रसाद में चढ़ते हैं, आप इसकी जगह पे किशमिश या ड्राई फ्रूट भी डाल सकते हैं। इसको डालने से क्या होगा ना कि बीच में स्पेस बनती है, और जब आप इसे चाशनी में डालोगे ना तो ये अच्छे से सोक करेगा, चाशनी अंदर तक जाएगी। तो इसको और इलायची दाना जो होता है ना उसको अगर आप डालते हो और फिर आप ऑयल में डालोगे तो ये मेल्ट हो जाता है, ये मुँह में नहीं आएगा खाने पर, तो ये अच्छा ऑप्शन रहता है। तो इसको डाल डाल के चिकने बॉल्स बनाने हैं बिल्कुल गुलाब जामुन के, वरना ऑयल में जाके ये फटेंगे। तो ऐसे करके यहाँ पे सारे गुलाब जामुन मैं रेडी कर लूँगी। यहाँ पे सारे गुलाब जामुन मैंने रेडी कर लिए हैं। अब मैंने एक कढ़ाई गैस पे चढ़ा दी, उसमें ऑयल डाल दिया है। गैस की फ्लेम लो रखनी है, लो फ्लेम पे अगर हम गुलाब जामुन फ्राई करेंगे, डीप फ्राई करेंगे,
तो गुलाब जामुन अंदर तक अच्छे से पकेंगे और बहुत ही बढ़िया बनेंगे। तो यहाँ पे ऑयल थोड़ा कम लग रहा था तो थोड़ा सा मैंने और ऐड कर दिया है, और लो फ्लेम पे ऑयल को गर्म होने देना है, और जब ऑयल गर्म हो जाएगा तो उसमें गुलाब जामुन डाल देने हैं फ्राई होने के लिए। एक चीज़ का ध्यान रखना है, गुलाब जामुन डालने के तुरंत बाद हमें स्पैचुला का यूज़ नहीं करना है, वरना गुलाब जामुन टूट जाएंगे। गुलाब जामुन थोड़ा सा पकने के बाद अपने आप ही जो बेस होता है ना वो छोड़ देते हैं, तो आप एक स्पून की हेल्प से इनको चलाइए, मतलब पलटिए, तो ये फटते नहीं हैं। वरना कई बार क्या होता है ना, अगर हम कलछी वगैरह लगा देते हैं तो उसकी वजह से भी गुलाब जामुन फट जाते हैं, तो स्पून से बढ़िया रहता है ये। और यहाँ पे देखिए, जो पहला बैच था वो थोड़ा सा कलर आ रहा था उसमें, तो मैंने और गुलाब जामुन डाल दिए कढ़ाई में, क्योंकि जगह काफ़ी दिख रही थी मुझे, तो मुझे लगा एक साथ हो जाएंगे। अब धीरे धीरे जो गुलाब जामुन पकते जाएंगे उनको मैं निकालती जाऊँगी। देखिए कितने बढ़िया बन रही है, कहीं से फट नहीं रहे हैं, कितना सुंदर कलर आ रहा है इनका। तो यहाँ पे गुलाब जामुन कुछ इसमें से रेडी भी हो गए हैं, उनको मैं निकाल लेती हूँ। अगर आपको थोड़ा लाइट कलर पसंद है तो आप थोड़ा लाइट कलर में गुलाब जामुन को निकाल सकते हैं। मुझे थोड़ा सा काला जामुन जो आता है वो ज़्यादा अच्छा लगता है, तो मैंने इसलिए इनको थोड़ा सा डार्क ब्राउन किया है। तो जो हो चुके उनको मैं निकाल ले रही हूँ, और जो अभी थोड़े से कलर आने बाकी हैं उनको इसी में छोड़ दूंगी, और बाकी के गुलाब जामुन भी डाल के इसमें तल लूँगी मैं। चाशनी भी यहाँ पे रेडी हो चुकी है, चाशनी बिल्कुल गर्म है, और गुलाब जामुन मैंने कढ़ाई से निकाल के चाशनी में डाल दिए हैं। चाशनी बिल्कुल परफेक्ट बनी है जैसे मुझे चाहिए। ये 1 से 1.5 घंटे में गुलाब जामुन बिल्कुल रेडी हो जाएंगे खाने के लिए। बस करिए, मत डालिए, अभी कितनी राउंड धोलना पड़ेगा, उसको पॉकेट में रख लीजिए, पानी नीचे भी मिल जाएगा। नहीं लेके जाओ ना तुम, सबको हैप्पी होली बोल देना। दूर से मारना होता है। अभी अभिष्टी थोड़ी छोटी है तो उसको प्रॉपर खेलने नहीं आ रहा, पिचकारी अच्छे से यूज़ नहीं करने आ रही, पूरी पिचकारी निकाल दे रही है, अच्छे से उसमें कलर नहीं भर पा रही है, क्योंकि अभी थोड़ी सी छोटी है उसके लिए। लेकिन एक्साइटमेंट बहुत है, हर चीज़ चाहिए, जो देख रही हैं वो चाहिए। अभी पिचकारी से खेल रही थी, फिर पिचकारी के बाद देखा बड़े बच्चे गुलाल से खेल रहे हैं, तो आई तो बोलती मुझे अब कलर चाहिए, मैं पिचकारी से नहीं खेलती। फिर कलर लेके गई, खेल के आई, फिर बलून्स दिख गए, वाटर बलून्स, तो अब बोलते हैं मुझे वाटर बलून्स चाहिए, मैं ऐसे नहीं खेलूंगी, मेरे लिए बलून लेके आओ, उसमें पानी भर के दो मुझे। तो खूब अपना कलर खेल रही हैं, लगभग 1 घंटे से खेल रही हैं अब तो, और पूरी तरीके से गीली भी हो चुकी हैं, लेकिन घर में आने के लिए रेडी नहीं, अभी और भी खेलना है। कैसे मारते हैं, पापा को मार के दिखाओ जरा। और भर दीजिए, खत्म तो नहीं हो गया, लो हो गया खत्म, फिसल जा रहे हैं। और दूसरे बच्चों का वाटर बलून्स देख के इतना एक्साइटेड हो गए, बोलते मुझे भी चाहिए, फिर ये गए वाटर बलून्स लेके आए खेलने के लिए इसके, और ये बड़े मज़ेदार हैं, इनमें मतलब डायरेक्ट टैप से पानी डालो, न गांठ मारनी है इसमें, न इसमें पानी भरना है। हम लोग छोटे थे तो हम लोग लेके आते थे तो पिचकारी से इसमें पानी भरते थे बहुत देर तक बैठ के, उसके बाद खेलते थे। मैंने देखा, मैंने कहा यार बहुत ही अच्छा हो गया ये तो, आराम से मतलब 5 मिनट का काम है, पानी भरो और खेलो, और इसमें रबर बैंड्स लगे हुए हैं, इसको आप ऐसे निकालोगे फटाफट निकल जा रहा है, और मतलब खुद ही उसमें नॉट लग जा रही है, तो बहुत ही बढ़िया है ये तो। और धीरे धीरे करके बहुत सारे बच्चे इकट्ठे हो गए, खूब खेला उन लोगों ने नीचे, ये बाल्टी में पानी भर के दे रहे थे और बच्चे अपना खेल रहे थे, खूब इंजॉय कर रहे थे। और फिर दही बड़े भी बनाए हैं मैंने, तो दही बड़े इतने सॉफ्ट बने हैं ना, एकदम बढ़िया दही बड़े बने हैं, मीठी चटनी के साथ बहुत ही टेस्टी लगा खाने में ये। तो दही बड़े बन गए, गुजिया बन गई, गुलाब जामुन, माँ ने नमकीन भी बनाई है घर में,
तो ये सारे स्नैक्स बनाए हमने, तो अब एक दो लोग आ रहे हैं तो उनके लिए स्नैक्स लगा रही हूँ मैं प्लेट में। आज लंच हमने सिंपल ही रखा क्योंकि सुबह हमने समोसे खा लिए थे और शाम को भी कुछ पूरी और कचौरी वगैरह का प्लान कर रहे हैं हम लोग, तो आज दाल चावल सब्जी रोटी रखी लंच में। सब्जी में कटहल का दो प्याज़ा बनाया मैंने, अरहर की दाल बनाई और बहुत टेस्टी लंच बना सिंपल सा। तो आई होप आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, कॉमेंट कर दीजिए, नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में।